प्यारे बच्चों, मैं वंदना वर्मा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके सामने कक्षा 6 के विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 4 वैदिक काल का भाग 1 लेके उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अब वैदिक काल एक लंबा काल है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि आर्य किसे कहते हैं, यानी आर्य किनको कहा गया, और हम देखेंगे कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था, क्या वो कोई व्यवसाय करते थे या कृषि करते थे या एक जगह रहते थे, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा आज करेंगे। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, अर्थात आर्य जब आके भारत में रहने लगे तो उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, अर्थात आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ जाके वो घूमे, कहाँ पे वो रहे। प्यारे बच्चों, सामने ब्लैक बोर्ड पे आप लोग देखिए वैदिक काल का विभाजन दिया हुआ है। आर्य शुरू करने से पहले कि आर्य किन्हें कहते थे, आइए पहले हम वैदिक काल के बारे में जान लें कि वैदिक काल किसे कहते हैं और वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है। बच्चों देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब यहाँ शब्द बच्चों हमारे सामने आ रहा होगा ईसा पूर्व, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर उठ रही होगी कि ईसा पूर्व किसे कहा गया। तो आइए हम लोग समय रेखा पहले जान लेते हैं, समय रेखा पर ईसा पूर्व और ईसवी किसे कहा जाता है। बच्चों ये सामने देखिए, आपको एक लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई दिख रही है, एक लाइन बनी हुई है जिस पे ईसा पूर्व अंकित है, विभिन्न ईसा पूर्व अंकित है, तो ये समय रेखा है। तो जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 500 ईसा पूर्व, उसके बाद लिखा हुआ है 1000 ईसा पूर्व, बीच में 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में ही लिखा हुआ है। बच्चों जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उनके जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व के रूप में देखते हैं, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 100 वर्ष पहले के समय को हम कहेंगे 100 ईसा पूर्व, 200 वर्ष पहले को कहेंगे 200 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व में देखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग देखते हैं उसको ईसवी में कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये समय की रेखा है, समय की रेखा पर अगर इस काल में, ये एक लाइन हम दिखा रहे हैं, इस काल में अगर ईसा मसीह का जन्म यहाँ इस समय में हुआ है तो उसके 100 साल बाद में, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो इन जन्म के 100 साल बाद के समय कहेंगे 100 ईसवी। क्या कहेंगे बच्चों? 100 ईसवी। वहीं ईसा के जन्म के 100 वर्ष बाद के समय को कहेंगे 100 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वो ईसा पूर्व में ही है। तो यहाँ ईसा पूर्व का समय दिया हुआ है, तो ईसा मसीह के जन्म के 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 साल पहले। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे ईसा पूर्व की ही बात करेंगे। तो ये समझ में तो आ गया होगा कि कहाँ हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं और कहाँ ईसवी लिखते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ। वैदिक काल का जो समय है बच्चों, वो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। कितने का है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो वैदिक काल कहा गया। कि वैदिक काल का समय क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब आगे चल के यानी वैदिक काल को फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी वैदिक काल में भी दो काल हैं निहित, एक ऋग वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 500 वर्षों का समय है ये, 1500 में से आप जब 1000 घटाएंगे तो 500 ईसा आपको साल आपको हाथ में आएंगे। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे ऋग वैदिक काल कहा गया है। यानी यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं 500 ईसा पूर्व यहाँ पे, फिर यहाँ 600 ईसा पूर्व है, यहाँ है 1500, यहाँ है 1000। यानी 1000 से लेके 1000 ईसा पूर्व के समय से लेके ये 1500 ईसा पूर्व का जो समय है ये है ऋग वैदिक काल। और यही 1000 ईसा पूर्व से, 1000 यहाँ हो गया, फिर 1000 से 600 यहाँ दिखाया गया है, तो 1000 से लेके
600 ईसा पूर्व का समय क्या है? ये हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना है, समय काल कितना है, 1500 में से 1000 घटाइए कितना आएगा, हाँ बहुत अच्छे बच्चों, 500 वर्ष आएगा। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 500 वर्ष है और उत्तर वैदिक काल का है 1000 में से 600 आप घटाइए कितना आएगा, वेरी गुड 400 आएगा। तो ऋग वैदिक काल का समय 500 वर्षों का है, वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 400 वर्षों का है। तो बच्चों आज हम के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में आर्य कहाँ से आए, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यानी उन्होंने कहाँ से कहाँ तक अपना जीवन यापन किया, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ शासन किए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उन लोग का प्रशासन कैसे होता था। प्यारे बच्चों, हम वैदिक काल कहते किसको हैं? वैदिक काल से आशय उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्यों से मिलता है। हमने वैदिक साहित्यों के बारे में पहले भी पढ़ा है, यानी जो वेद होते हैं, पुराण होते हैं, पौराणिक रचनाएं जो की गई हैं, उनके द्वारा जिन लोगों का पता चला, जिनका वर्णन उसमें है, उनको आर्य कहा गया और जिस सभ्यता का परिचय उससे मिला उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं और जिस समय का पता चला उसे हम वैदिक काल कहते हैं। अर्थात वैदिक काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल वह युग है जिसका पता हमको वैदिक साहित्यों से मिला। वेद चार होते हैं बच्चों, ये हम जानते ही हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वैदिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का ज्ञान हमको वैदिक साहित्यों के द्वारा हुआ उसे हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक साहित्य में हमको पता चला आर्य के बारे में, आर्यों के बारे में। तो आर्य कौन थे? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, यानी वो जन जो श्रेष्ठ थे, जिनके बारे में हमको पता वैदिक साहित्यों से चलता है, उन्हें हम आर्य कहते हैं। आर्य की प्रवृत्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आर्य क्या करते थे, कैसे होते थे। आर्य की प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। तो बच्चों घूमते रहते थे तो अनावश्यक तो घूमते नहीं होंगे, तो कोई उद्देश्य होता होगा। चूँकि वो पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे और कृषि करते थे, तो वो उपजाऊ भूमि की तलाश में घूमते थे, वहाँ रुकते थे, कृषि करते थे, और जब वहाँ उपजाऊ जो भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी या कम मात्रा में उपज देने लगती थी, फिर वो जगह छोड़ के फिर वो आगे बढ़ जाते थे। तो प्रारंभिक जीवन जो था वो आर्यों का कबीला वाली प्रजाति थी। बच्चों आज भी हम लोग कहीं कहीं ये देखते हैं कि कुछ नट वगैरह जो होते हैं, जो सर्कस दिखाते हैं, कभी देखे हो कि रस्सी पर कोई चलता हुआ दिखाई देता है, वो लोगों का एक समूह होता है जो जगह जगह रुकते हैं और वहाँ खेल तमाशा दिखाते हैं, कुछ अर्जन करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ठीक यही प्रवृत्ति जो थी वो आर्यों की प्रवृत्ति थी, कबीलाई जीवन था। कबीला मतलब परिवार का लंबा चौड़ा समूह था उनका, वो कबीलाई प्रजाति था, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति वाले वो लोग थे। वो पशुपालक थे। अब पशु कौन कौन से पशु पालते होंगे? जैसा कि अभी आपने जाना कि वो खेती करते थे, उपजाऊ भूमि जहाँ मिलती थी वहाँ रुकते थे, कृषि करते थे, अन्न उपजाते थे, और जब अन्न उपजाऊ हो जाती थी भूमि तो आगे बढ़ जाते थे। तो बच्चों जब खेती करते होंगे तो उनको बैल की ज़रूरत पड़ती होगी, बैल की ज़रूरत पड़ती होगी ना, तो वो बैल पालते थे। साथ ही साथ बैल पालते थे तो गाय भी उनके पास, गाय किस लिए होती थी? सबसे पहले तो वो उस खेत गाय पालते थे, उनको दूध की प्राप्ति हो जाती थी। तो गाय पालते थे, बैल पालते थे और प्रमुख रूप से घोड़ा भी पालते थे। घोड़ा क्यों? क्योंकि आवागमन में ये सहायक सिद्ध होता था। कृषि करते थे, यह मैंने पहले ही बताया, कृषि करते थे, उपजाऊ भूमि जहाँ मिलती थी वहाँ रुक जाते थे, खेती करते थे, और जब वो ऊसर हो जाती यानी कम उपज देने लगती थी फिर वो आगे बढ़ जाते थे। कबीलों में रहते थे, यानी उनका जो परिवार था, परिवारों का समूह जो था वो एक कबीला माना जाता था, जिसकी सेम जो एक ही तरह की जो उनको रहन सहन और संस्कृति हो थी तो वो कबीला थी, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति था। तो आइए और भी इसके आगे हम देखते हैं कि आर्य सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। बच्चों सामने जो हम भारत का मानचित्र देख रहे हैं ये क्या है? आर्यों का भारत में विस्तार है। इसमें हरे हरे जो क्षेत्र और गुलाबी क्षेत्र जो दिखाए गए हैं
वो सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आर्यों का भारत में विस्तार हुआ है। जो गुलाबी वाला क्षेत्र है वो दक्षिणापथ है, जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र है। और जो हरे हरे क्षेत्र हैं वो सप्तसैंधव, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि और आर्यावर्त का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर भारत में आर्यों का विस्तार हुआ था। बच्चों, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उनका विस्तार गंगा के दोआब क्षेत्रों में भी था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी था, तथा हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र में आर्यावर्त जिसे कहा गया उनका विस्तार वहाँ तक था। बच्चों, आर्यों का भारत में विस्तार क्या था, आइए हम देखते हैं। आर्यों का विस्तार जो था, हम इससे पहले सप्तसैंधव प्रदेश के बारे में आपने जान लिया कि सप्तसैंधव प्रदेश क्या था। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती नदियों के आसपास का क्षेत्र था, उसे हम सप्तसैंधव प्रदेश किए। तो यहाँ यानी सप्तसैंधव प्रदेश में दक्षिणापथ यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी तरफ, यानी कि आज का जो वर्तमान भारत है उसमें दक्षिणी तरफ यानी दक्षिणी भाग में दक्षिणापथ बोला गया, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी तरफ का क्षेत्र। ब्रह्मवर्त क्या है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मवर्त क्षेत्र के नाम से जाना गया। ब्रह्मर्षि यानी गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहा, उसे क्या कहा गया, उसे ब्रह्मर्षि कहा गया। बच्चों, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि और सप्तसैंधव प्रदेश, इन तीनों को मिलाकर जो क्षेत्र बना उसे कहा गया आर्यावर्त। क्या कहा गया उसको, आर्यावर्त, यानी आर्य का विस्तार क्षेत्र, आर्यों का विस्तार जो क्षेत्र था उसे आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त के साथ ही दक्षिणापथ यानी दक्षिण का भी जो भाग था, ये सभी भाग जो थे वो भारत में आर्यों के विस्तार क्षेत्र थे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में प्रारंभ में आर्य कहाँ आके बसे, तो आपका उत्तर होगा कि सप्तसैंधव प्रदेश में आर्य आके बसे। लेकिन उनका विस्तार क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आपका उत्तर होगा आर्यावर्त और दक्षिणापथ जो थे आर्यों का विस्तार क्षेत्र था। आर्यावर्त में ही ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि और सप्तसैंधव प्रदेश सम्मिलित थे। यानी आज हमने जान लिया कि आर्य सभ्यता का विस्तार यानी आर्यों का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक था। बच्चों, इसको जानने के साथ ही पाठ चार वैदिक काल का प्रथम वीडियो, ये जो भाग एक लिखा हुआ है, प्रथम वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।